वाराणसी पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। तो एयरपोर्ट पर प्रियंका का जोरदार स्वागत किया गया है। आजमगढ़ के लिए रवाना हुई है प्रियंका गांधी सीए के प्रदर्शनकारियों से, जहां पर वो मुलाकात करेंगी। तो लगातार यूपी की राजनीति में काफी एक्टिव मोड में जो है प्रियंका गांधी नजर आ रही है, और इसके तहत अब वाराणसी पहुंच चुकी है और अब यहां से आजमगढ़ के लिए रवाना हो चुकी हैं प्रियंका गांधी। तो जहां पर वो सीए के प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करेंगी। तो आपको बता दें कि लगातार जो महिला हैं उनकी तरफ से सीए के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। इससे पहले सपा बसपा के जो तमाम नेता हैं वो उनसे मिलने पहुंचे थे, और आज खुद प्रियंका गांधी यहाँ धरातल पर उतर कर उन प्रदर्शनकारियों के बीच पहुँचेंगी, मुलाकात करेंगी। तो एयरपोर्ट पर प्रियंका का वाराणसी पर स्वागत किया गया था। संवाददाता रवि प्रकाश फोन लाइन पर। रवि प्रकाश, वाराणसी पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और अब यहां से आजमगढ़ के लिए रवाना, फिलहाल ताजा अपडेट लेना चाहेंगे उनके दौरे को लेकर। देखिए, प्रियंका गांधी आजमगढ़ में है, बिलैयागंज कस्बे में पहुंचेंगी, जहां पर वह सीए और एनआरसी की महिलाओं द्वारा जो प्रदर्शन चल रहा था उन महिलाओं से मुलाकात करेंगी। पुलिस पर लाठीचार्ज के आरोप लगे थे और इसके अलावा पार्क में पानी भरवाने से कई चीजें सामने आई थी। तो प्रियंका गांधी बाकायदे वहां पर डॉक्टर आयुब का एक खाता है, वहां पर वह उन सभी महिलाओं से मुलाकात करेंगी। साथ ही साथ प्रियंका गांधी के आजमगढ़ के दौरे को लेकर के राजनीति भी आजमगढ़ में तेज है, क्योंकि कल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा यह बयान दिया गया कि प्रियंका के बाद अखिलेश भी आएंगे। तो कुल मिलाकर के ये यूपी के आजमगढ़ में अगर देखा जाए, पूर्वांचल पूरा जो यहाँ से कवर होता है, तो यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेजी से बढ़ी हुई है। कई कांग्रेसी नेता आकर के यहाँ जुड़े हुए लगे हुए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का दल भी जो है लगातार जो है एनआरसी और सीए पीड़ित लोगों से मिलने का प्रयास कर रहा है। जी बिल्कुल रवि, लेकिन अगर तैयारियों की बात करें तो किस तरह की तैयारियां यहां पर की गई हैं और कार्यक्रम किस तरह से रहने वाला है दौरे का? देखिए, कुल मिलाकर के यहां डेढ़ घंटे प्रियंका गांधी आजमगढ़ में बिलैयागंज कस्बे में रहेंगी। पुलिस प्रशासन द्वारा एक एडिशनल एसपी, दो सर्किल ऑफिसर सहित भारी मात्रा में फोर्स लगाई गई है। साथ ही पुलिस का यह प्रयास है कि किसी भी तरह से जो है यहाँ आपाधापी की स्थिति न मिले। जो सभा स्थल है वहाँ पूरी तरह से बैरिकेटिंग की गई है, हाथे जहाँ मिलना है वहाँ बाकायदे सिक्योरिटी चेकिंग के बाद ही किसी को जाने देना दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी के आगमन को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में तो जो है वो महिलाएं भी मिलने को उत्सुक है, जिन्होंने एनआरसी और सीए को लेकर के प्रदर्शन किया था। बिल्कुल रवि, महिलाएं जो है वो जो प्रदर्शनकारी महिलाएं वो काफी उत्साहित है। हालांकि इससे पहले सपा बसपा और कांग्रेस के तमाम नेता उनसे मुलाकात कर भी चुके हैं, और ऐसे में अब प्रियंका गांधी का पहुंचना कहीं ना कहीं वाकई इस पूरे माहौल को उत्साहित बना देता है। लेकिन अगर प्रदर्शनकारी महिलाओं की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस दौरे को लेकर, और कितने मुलाकात को लेकर उनकी क्या कुछ उम्मीदें? देखिए, उन लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि उनसे जो उन्होंने प्रदर्शन किया और जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से किसी भी दल का कोई बड़ा नेता उनसे मिलने नहीं पहुंचा। ऐसे में प्रियंका गांधी जब उनसे मिलने आई तो स्वाभाविक तौर पर वह उत्साहित हैं, और इसके अलावा वह इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी बातें अब सीधे और सीधे प्रियंका गांधी से ही करेंगे, क्योंकि ना तो यहाँ अखिलेश यादव आए सांसद होने के बाद भी, ना ही समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता यहाँ पर आया। प्रदर्शन की बात छोड़िए, महिलाओं का यह कहना था कि उनके ऊपर लाठियां चली, पत्थरबाजी हुई, लेकिन इसके बाद भी जो है किसी नेता का कोई आधिकारिक वक्तव्य तक नहीं आया, ना तो ट्वीट किए गए और ना ही कुछ ऐसी बातें कही गई जो उन महिलाओं के पक्ष में हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, दौरे को लेकर नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।